आखिर महाराष्ट्र में मंत्रालय के बंटवारे में वही हुआ जिसका एकनाथ शिंदे के गुट को डर था। उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजित पवार को वही वित्त मंत्रालय दिया गया जिसे लेकर एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों ने पुरानी सरकार में पवार के खिलाफ मोर्चा खोला था। उस विरोध का असर ये हुआ कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ चल रही सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो गए। उस घटना के ठीक एक साल बाद अजित पवार पाला बदलकर सरकार में शामिल हो गए और शुक्रवार को हुए मंत्रालय के बंटवारे में उन्हें वित्त मंत्रालय ही दिया गया। यही नहीं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हिस्से में आने वाला मंत्रालय भी अब अजित पवार की पार्टी के मंत्री के हिस्से में आ गया है। महाराष्ट्र में हुए मंत्रालय बंटवारे के बाद यहाँ की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। एकनाथ शिंदे गुट से जुड़े विधायकों ने शुक्रवार को मंत्रालय बंटवारे के बाद एक बड़ी बैठक तक कर डाली। महाराष्ट्र में आखिर लंबी रस्साकसी के बाद मंत्रालय का बंटवारा कर दिया गया। इस बंटवारे में एनसीपी के नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को वित्त मंत्रालय दिया गया। अजित पवार को मिले वित्त मंत्रालय से महाराष्ट्र की सियासी गर्माहट और बढ़ गई है। राजनीतिक विश्लेषक के बताते हैं कि सरकार में शामिल होने के बाद मंत्रालयों का बंटवारा इन्हीं कुछ मुद्दों पर फंसा हुआ था कि क्या वित्त मंत्रालय अजित पवार के पास आना चाहिए या नहीं। वे कहते हैं कि दरअसल इसके पीछे सियासी अदावत बड़ी वजह मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ एक विधायक और मंत्री चाहिए थे, उनके हिस्से के प्रमुख मंत्रालयों में बड़ी सेंधमारी भी ना हो और वित्त मंत्रालय अजित पवार के पास बिल्कुल ना जाए। काफी मशक्कत के बाद बहुत से मामलों में सुलह हुई, लेकिन अजित पवार को वही मंत्रालय दिया गया जिसे लेकर एकनाथ शिंदे गुट ना देने के लिए अड़ा हुआ था। मंत्रालय के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक तरीके से अजित पवार को मिला हुआ वित्त मंत्रालय एकनाथ शिंदे के लिए चुनौती है। जिस मंत्रालय को लेकर खुद शिंदे और उनके विधायकों ने पिछली सरकार में मोर्चा खोल दिया था, वही मंत्रालय वापस अजित पवार को मिल गया है। राजनीतिक जानकारों का कहना तो ये भी है कि महाराष्ट्र में कृषि मंत्रालय प्रमुख मंत्रालयों में गिना जाता है। यह मंत्रालय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास था, अब यह मंत्रालय बंटवारे में अजित पवार के पास आए धनंजय मुंडे के हिस्से में आ गया है। राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप सिंह कहते हैं कि मुख्यमंत्री से लिया गया अहम मंत्रालय भी एक तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है। उनका कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उनके साथ विधायकों और नेताओं के विरोध के बाद भी अजित पवार को वित्त मंत्रालय दिया गया है, यही नहीं, मुख्यमंत्री के हिस्से में रहने वाला प्रदेश का बड़ा कृषि मंत्रालय भी अजित पवार के साथ आए विधायक को दे दिया गया है। ये बताता है कि अगले कुछ महीने में महाराष्ट्र की सियासी गणित किसी और दिशा में जाने वाली है। शुक्रवार को हुए मंत्रालय के बंटवारे में अजित पवार को वित्त और योजना विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। दिलीप वालसे पाटिल को सहकारिता, अदिति तरकटे को महिला और बाल विकास, धनंजय मुंडे को कृषि की जिम्मा दिया गया है। इसके अलावा हसन मुर्शिफ को स्वास्थ्य शिक्षा मंत्रालय तथा अनिल पाटिल को राहत और पुनर्वास आपदा प्रबंधन विभाग दिया गया है। भाजपा नेताओं के पास स्वास्थ्य शिक्षा और खेल मंत्रालय थे। धर्मराव बाबा आत्रम को खाद्य एवं औषधि मंत्रालय और संजय बंसोड़ को खेल और युवा कल्याण दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को दोपहर बाद एकनाथ शिंदे गुट से जुड़े करीब एक दर्जन विधायकों ने बैठक कर मंत्रालय बंटवारे पर नाराजगी भी जताई है। पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि वे नहीं चाहते थे कि अजित पवार को वित्त मंत्रालय मिले। इसके पीछे उनका तर्क था कि पिछली सरकार में वित्त मंत्रालय पवार के पास था, उन्हें नेता फंड न देने का आरोप लगाकर विरोध कर रहे थे। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना यह भी है कि अजित पवार को मिले वित्त मंत्रालय के साथ साथ मुख्यमंत्री के हिस्से में रहने वाला कृषि मंत्रालय भी अब उनके पास से लेकर अजित पवार के साथ आए नेताओं को दे दिया गया। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि अगर जल्द ही उनके नेता इस मामले में अपनी आवाज नहीं उठाते हैं और अपनी आवाज पर मुखर नहीं करेंगे तो उनके लिए दूसरे रास्ते भी बंद होने लगेंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की शिवसेना से जुड़े नेता लगातार कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ रहने वाले बड़े नेता उनके संपर्क में हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में हुए मंत्रालय के बंटवारे की चिंगारी किस तरह बड़ी आग की तरह लगने वाली है। महाराष्ट्र में सियासी संकट पिछले साल तब शुरू हुआ था जब एमवीए महाविकास अघाड़ी सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए अजित पवार के ऊपर शिवसेना के विधायकों ने बजट ना देने का आरोप लगाना शुरू किया था।
राजनीतिक विश्लेषक का ये भी कहना है कि पुरानी सरकार में बगावत की शुरुआत ही अजीत पवार को लेकर शुरू हुई थी। वे कहते हैं कि कई विधायकों ने आरोप लगाने शुरू किए थे कि अजीत पवार के वित्त मंत्री रहते हुए वे शिवसेना के विधायकों को विकास कार्य का बजट नहीं दे रहे थे, जबकि एनसीपी के विधायकों को अजीत पवार न सिर्फ समय रहते बजट दे रहे थे बल्कि अतिरिक्त बजट भी देकर शिवसेना को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को लेकर विरोध इतना ज्यादा बढ़ा कि एकनाथ शिंदे ने पार्टी में बगावत करते हुए अपने साथ 40 से ज्यादा विधायकों को जोड़कर एमवीए की सरकार को गिरा दिया था। आज के लिए बस इतना ही। आपकी क्या राय है ये हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बिल्कुल बताएं।